जो कुछ किया है अपनी फिल्म के साथ और दर्शकों के दिमाग के साथ, वो क्या सही है या गलत है, इस पर मैं बात करने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, वो इसलिए मैं बात करूँगा क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ तो गलत किया है बड़े मियाँ छोटे मियाँ ने। वो गलती क्या है वो मैं बताने वाला हूँ, और मैं बताता हूँ आखिर क्या बात हो गई है। और जो गलत भी है वो आप भी मानोगे, भले ही आप अक्षय कुमार फैंस हो नहीं हो तो भी आप मानोगे। पहले तो आप अपनी फिल्म की रिलीज डेट 10 तारीख रखते हो और सुबह से ही एडवांस बुकिंग खोल देते हो। उसके बाद यहाँ पे अगर देखा जाए तो गेटी गैलेक्सी का पहला जो शो था, क्योंकि ये गेटी में इसका 12 बजे का शो था, उसे 85 से 90% सोल्ड आउट कर दिया जाता है। ऐसे कैसे थिएटर्स हैं वहाँ पे धीरे धीरे एडवांस बुकिंग खुल चुकी है, कुछ लोग टिकट बुक करे थे, फर्स्ट डे फर्स्ट शो बुक भी कर लिया था कुछ लोगों का। और उसके बाद ये डिसीजन आता है अगले 24 घंटों में कि ये जो फिल्म है ये 10 तारीख को शाम को 6 बजे से रिलीज होगी बड़े मियाँ छोटे मियाँ। और ये भी एक टेंशन में डाल दिया फैंस को। फैंस ने बोला चलो ठीक है, पब्लिक ने बोला चलो ठीक है, ये तो हमको समझ में आ रहा है कि 11 तारीख को आ रही, तो आप अपनी फिल्म का जो पेड प्रीव्यूज है शाम को 6 बजे स्टार्ट कर रहे हैं। और मैदान के मेकर्स ने भी ये किया, और मैं कह रहा हूँ मैदान के मेकर्स की भी यहाँ पे गलती है यहाँ तक। लेकिन मैदान के मेकर्स की उतनी गलती नहीं है जितने बड़े मियाँ छोटे मियाँ के मेकर्स की है, क्योंकि कम से कम उन्होंने पेड प्रीव्यूज जो रखा है 10 तारीख को शाम को 6 बजे से, वो अपनी बात पर कायम है। लेकिन बड़े मियाँ छोटे मियाँ एक कदम आगे निकली और बड़े मियाँ छोटे मियाँ के मेकर्स ने एक और यहाँ पे झोल्ड कर दिया। क्योंकि अगर आप देखोगे पहला पेड प्रीव्यूज जो शाम को 6 बजे का रखा था गेटी गैलेक्सी में, उसे भी स्पेशली गेटी में जो शो लगा था पहला शो 6 या 6 बजे, 6:30 बजे का माफ करना, BMCM का, उसे भी 80% सोल्ड आउट कर दिया गया था 10 तारीख को शाम को 6 बजे। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आप समझ गए होंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ। और अब ये डिसीजन दिया गया कि 10 तारीख को एक भी शो बड़ी मियाँ छोटी मियाँ का नहीं रखा जाएगा। ये फिल्म बड़ी मियाँ छोटी मियाँ फुल फ्लेज 11 तारीख को ही रिलीज होगी, वो भी सुबह से जो 20 शोज होंगे। तो कुल मिलाकर अब ऑडियंस जिन्होंने शाम के शो का सोच के टिकट बुक किया कि पहला शो ने देखने को मिला, वो भी निराश होंगे क्योंकि उनका भी टिकट का पैसा रिफंड करना होगा थिएटर वालों को। जो ऑफलाइन कराया तो उनको भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन। तो ये सब चीज़ों से अच्छा है कि यार इतना ऑडियंस को परेशान क्यों कर रहे हैं आप लोग। अब ये फिल्म आप 11 तारीख को देख सकते हैं बड़ी मियाँ छोटी मियाँ सिनेमा घरों में, और ये फिल्म 11 तारीख को आएगी और एंजॉय आप कर सकते हैं। गलती ज़रूर की है बड़ी मियाँ छोटी मियाँ वालों ने, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो भी किया, जो भी सोच के किया, ठीक है, कुछ कह नहीं सकते। चलिए फिलहाल कहते हैं दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। पीछे जो मेरी आवाज़ आई थी, मेरे बच्चे की आवाज़ आई थी, वो मेरे को वीडियो बनाने और देना नहीं चाहता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। लेकिन हाँ, बड़ी मियाँ छोटी मियाँ की मेकर्स की गलती है, लेकिन मुझे लगता है गलती सही है। 11 तारीख को फिल्म रिलीज होगी तो फिल्म को फायदा जरूर होगा।